good morning, everybody. What's up? How the things moving? पढ़ाई ठीक चल रहा है? मैं बार बार पूछता हूँ. मोमेंटम बन रहा है, स्पीड आ रही है, एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? बहुत बढ़िया. चीयर्स. देखिए, आज फिर हम इस सेगमेंट में आपके लिए वोकैबुलरी की क्लास नंबर 2 लेके आए. लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था, 70-80 वर्ड्स आपके हो गए थे एक क्लास में, हमारी 45 मिनट्स की क्लास में. और आज हम लोग फिर उसी रफ्तार के साथ वोकैबुलरी की क्लास फिर से पढ़ने जा रहे हैं. लास्ट टाइम बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए थे. उम्मीद है कि वो आपको या तो रूट वर्ड से हमने याद करा दिया होगा, या कोलोकेशन की ट्रिक से आपको याद करा दिया होगा, या नेमोनिक्स की ट्रिक से आपको मेमोरी एड्स दे करके याद करा दिया होगा. याद तो वो शब्द रहे होंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है. राइट, आज के शब्दों की शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट में वोकैबुलरी के. राइट, आज का जो वेरी फर्स्ट वर्ड है, दैट इज येन. YEN, येन. देखिए, येन तो आप एक तरीके से समझते होंगे येन को, ये जापान की, जापानीज मॉनेटरी यूनिट है ना? ये हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं. दिस आई एम नॉट गोइंग टीच यू. जापान की जो, जैसे भारत में रुपया चलता है, रुपया है, तो जापान में चलता है येन. क्या चलता है? येन. और आप बताइए, आपको अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 100 येन देना चाहता हूं, तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं? आपकी इच्छा होगी कि आपको होगा, नहीं यार मेरे को क्या करना, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. आई मीन, अगर आपको जापान जाना है या जापानीज येन को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज कराना है, तो आप चाहेंगे कि नहीं? Do you want American dollars or not? Do you want British pounds or not? Yes, you do. तो जब आपको येन का तो पहला मीनिंग क्या हो गया? जापानीज मॉनेटरी यूनिट है. ये आपको नहीं पढ़ाने जा रहा था. What I'm going to teach you is this. मैं आपको पढ़ाना था इसकी वर्ब. देखो, येन का मतलब होता है वर्ब क्या, बल्कि नाउन ही इसके दूसरा पढ़ लें, a strong desire. येन means a strong desire. या विश, या वॉन्ट फॉर समथिंग. देखिए, अब मैंने आपको बताई दिया है कि आपके पास अगर आपको येन या डॉलर्स या पाउंड्स मिलने जा रहे होते हैं, तो आपकी इच्छा तो होती है, यस यार मेरे पास भी और आ जाए, रुपया तो है ही, ये भी आ जाए तो और अच्छा होगा. तो वहां पे देखिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा को कहते हैं येन. ये नाउन है यहां पर, तीव्र इच्छा, गजब की इच्छा होती है कि भगवान ये चीज मुझे मिल जाए. दिस इज कॉल्ड येन. जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, शी हैज. अब ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी, यही आपको जिंदगी भर मीनिंग याद रखाएंगे. दे ओनली विल हेल्प यू रिटेन द वर्ड्स इन योर मेमोरी फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. राइट, सो शी हैज ए येन फॉर ट्रेवलिंग. अब मान लो कोई लड़की है, उसकी बड़ी तीव्र इच्छा हुआ करती है कि कब उसको मौका मिले और वो कब ट्रेवलिंग पे चली जाए, है ना? अब देखिए, ही हैज अ येन फॉर पिज्जा. इनको पिज्जा मिल जाए तो साहब ये अपना सब कुछ भूल जाते हैं. इनको लगता है बस पिज्जा कैसे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तो जब बहुत तीव्र इच्छा आपकी होती है, उसे कहते हैं येन, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर. राइट, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर. राइट, एंड देन आई हैव अ येन फॉर, हम आपके लिए लिख रहे हैं, आई एम स्पीकिंग आई ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइज. राइट, आई हैव अ येन फॉर सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब. क्यों? इसीलिए तो आप पढ़ लें, आपका गवर्नमेंट जॉब से सिलेक्शन हो जाए, आप इसके लिए आपको येन है. और जब आप रात का डिनर कर लेते हैं, खासतौर से जब गर्मी के दिन होते हैं, जाड़े के दिनों में भी आपको लगता है कभी कभी, नहीं जो लोग बड़े आइसक्रीम फ्रीक होते हैं, जिनको आइसक्रीम मिल जाए कहीं से भी, अब खाना वाना सब हो गया है, बट दे डेस्परेटली, शादी बारात में मैंने देखा बहुत लोग जाते हैं, यार सब कुछ खा पी लिया, रसगुल्ला रसगुल्ला ले लिया, इमरती ले ली, अब कहते भाई काउंटर नहीं दिख रहा. हमने कहा कौन सा काउंटर? अरे सर आइसक्रीम नहीं दिख रही है. राइट, तो अब देखिए, सम पीपल have a yen for ice cream. कुछ लोगों को after dinner, dinner के बाद साहब इनको ice cream मिल जाए, ये इसके लिए तड़पते रहते हैं. तो I think आपको समझ में आ गया होगा yen का मतलब क्या है.
यन मींस तीव्र इच्छा. और इसको याद कैसे आप करेंगे, एम फॉर बताया ना, मेमोनिक्स मेमोरी एट एम. यन पाने की इच्छा सबकी होती है, यन पाने की इच्छा सबकी होती है ना, ऐसे याद कर लीजिए. येन बता दिया है, मुद्रा होती है जापान की, तो उसी मुद्रा जापानीज मुद्रा आपको मिल जाए उसके लिए आपका बड़ा मन करता है, यार कब मेरे को ये मुद्रा मिलेगी, कब डॉलर्स मिलेगा, कब ये मिलेगा, कब वो मिलेगा, लालच तो है ना आपके अंदर. हाँ, तो वो येन जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड तीव्र इच्छा. अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं जल्दी से. एस वाई एन का मतलब सिनोनिम्स, हैंकरिंग, जो हैंकर होता ना बेटा, हैंकर का मतलब होता किसी चीज के पीछे भागना. जैसे आप पैसे के लिए भागे चले जा रहे हो, पैसे के लिए मरा आदमी चला जा रहा है, चाहे खाना खाए या ना खाए, तो आप बोलते ना ही इज हैंकरिंग आफ्टर मनी, ही इज हैंकरिंग आफ्टर मनी. और आप लोग क्या कर रहे हो, यू आर ऑल्सो हैंकरिंग, बट आफ्टर वॉट, यू आर हैंकरिंग फॉर, यू आर हैंकरिंग आफ्टर योर सेलेक्शन. हैंकर के बाद हमेशा आफ्टर लगता, फॉर कभी नहीं लगेगा. आगे बढ़ते हैं, यर्निंग, देखिए ये भी तीव्र इच्छा को कहते हैं. लॉन्जिंग, ये सब सिनोनिम है. क्रेविंग, ठीक. हंगर, हंगर तो समझते हो, भूख को कहते हैं. तो ये देखिए इसके सिनोनिम्स हो गए, हैंकरिंग, यर्निंग, लॉन्जिंग, क्रेविंग एंड हंगर, राइट. तो पहला शब्द एकदम क्लियर हो गया, फर्स्ट वर्ड इज ऑल क्लियर टू यू, किसी को कोई डाउट तो नहीं. आपको येन की इच्छा रहेगी ना, तीव्र इच्छा, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्यूट फैंटास्टिक. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, येन के बाद है. एक दो बार रिवाइज कर लिया करिए घर में रोज, मेरी गारंटी है एक समय के बाद आप नहीं भूलोगे. देखिए नेक्स्ट वर्ड टू कम इज ऑब्फस्केट. मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा आपको समझ में आए, ऑब्फस्केट. देखिए ऑब्फस्केट का मतलब होता है टू कंफ्यूज समबडी. अच्छा ये आप धीरे धीरे जानने लगो बच्चों, एस बी मैं लिखूंगा, एस बी, देखो एस ओ बी लिखा, इसका मतलब है समबडी. बार बार फुल फॉर्म मतलब फुल वर्ड्स नहीं लिखे, वर्ड नहीं लिखेंगे, समबडी. एस बी का मतलब समबडी, ठीक है ना. सो टू कंफ्यूज समबडी, राइट. अच्छा जिस आदमी को आप कंफ्यूज करना चाहते हो तो उसके सामने मैटर को क्लियर करोगे कि अनक्लियर करोगे, स्पष्ट रखोगे या स्पष्ट रखोगे, अनक्लियर ना. हाँ, टू मेक समथिंग अनक्लियर, अपने आप मीनिंग देखिए निकलता आ रहा, टू मेक समथिंग. अच्छा ये समथिंग लिखना मैं भूल गया, एस टी एच का बेटा मतलब होता है समथिंग. जैसे एस बी का मतलब समबडी बताया, याद कर लो एक बार, एस टी एच आ जाए तो समथिंग मान लीजिएगा, ठीक है ना. सो टू मेक समथिंग लेस क्लियर. अच्छा व्हेन यू मेक समथिंग लेस क्लियर, जब किसी चीज को आप क्लियर नहीं दिखाओगे तो वह चीज जो होगी अस्पष्ट तो हो गई है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है. तो अच्छा वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी, आप बताइए. अगर समथिंग इज नॉट प्रेजेंटेड यू इन ए क्लियर फैशन और क्लियर मैनर, तो वो चीज आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी. हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं पूछ रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज आपको बताई है और वो अस्पष्ट रूप से बताई है तो आसान होगा समझना कि कठिन, सिंपल कठिन. तो यहां लिखो डिफिकल्ट टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये देखिए किसी चीज को किसी इंसान के लिए वो डिफिकल्ट बना देना, और क्यों बना देना, देखो ईएसपी का मतलब खास तौर से, स्पेशली ईएसपी जब जब लिखा हो, इसकी हिंदी होती है खास तौर से, इंग्लिश होती है स्पेशली, ओके, एस्पेशली इंटेंशनली, जानबूझ के आप किसी को कंफ्यूज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आदमी को पूरी बात मेरी समझ में आए, तो आप उसको क्या कर देते हो, ऑब्फस्केट कर देते हो. क्या करते हो, ऑब्फस्केट. एग्जाम्पल लेते हैं, एक और कैरेक्टर हमारे हैं नए जुड़े हैं, बउआ. बउआज आर्ग्यूमेंट्स यू नो ऑब्फस्केट एवरीबडी. अब आप समझ में आ रहा होगा, बउआ के जो तर्क होते हैं ना
वो हर इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं कि यार मामला क्या था, जो थोड़ा बहुत आता था वो भी कंफ्यूजन में आ गया है। तो यहां सेंटेंस बउआ मेरे करेक्टिव है, बउआज आर्गुमेंट्स ऑफस्केट एवरीबडी, बउआज आर्गुमेंट ऑफस्केट एवरीबडी। अब देखिए ऑफस्केट द रीडर, अगर किसी लेखक ने कुछ कहानी लिखी है और उस कहानी में जगह जगह पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्लॉट क्या है, इस कहानी का मुझे सार नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, ऑथर है, ही इज ऑब्फस्केटिंग, ही इज ऑब्फस्केटिंग, राइट। अच्छा, कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी ऑब्फस्केट टीचर्स, समझे, विद ट्रिकी क्वेश्चंस। बच्चे घर से आते हैं कहते हैं आज यार अब एमके सर को कल जो है ना ये बहुत कहते पूछो 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 क्यों और कैसे करते हैं। अब वो अगले दिन लेके आते हैं मेरे सामने इतने ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आते हैं, गूगल से कहीं से भी ढूंढ ढांड के लाते हैं, सर बताइए इसका इंग्लिश में इसको कैसे आप जस्टिफाई करो कि ये सही है कि गलत है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। दे ट्राई एंड कम एंड दे ट्राई टू obfuscate me with their tricky questions. I don't mind that though. मैं खराब नहीं उसको मानता हूँ, आपके पास genuine होना चाहिए सवाल, ये नहीं कि चाट चटपटी होती चली गई वो चलता चला गया सर इंग्लिश बनाओ बेवजह की चीज़ें नहीं, हालांकि उसकी भी बनती है ध्यान रखना। तो देखिए obfuscate टीचर भी ट्रिकी क्वेश्चन आया, तो बच्चे जब आते हैं किसी टीचर को कन्फ्यूज करने के लिए तो वो जानबूझ के आते हैं कि नहीं आते, तो दिस इज कॉल्ड obfuscate, राइट। ये समझ में आ गया, इसके synonyms क्या होंगे, ऑब्स्क्योर, ठीक है, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है जो ना हो सिक्योर, याद कर लो, जो इसके नेमोनिक्स है जो ना हो सिक्योर इज इक्वल टू ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर हो गया। और क्या हो सकता है, वेग, वेग समझते हो, हिंदी वाला वेग, वेलोसिटी नहीं, वी ए जी यू ई, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक, दिस इज कॉल्ड वेग, राइट। समझ में आ गया बच्चों, तो दूसरा शब्द देख लीजिए ऑब्फस्केट, राइट, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैश, बी आर ए एस एच, ब्रैश, ये नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है ये। देखिए जो ब्रैश होता है इंसान है, somebody who is brash, जो आदमी ब्रश होगा ना उसके अंदर ब्रश वाले लक्षण होंगे, ब्रश समझते हो, जैसे पेंट ब्रश होता है ना, ब्रश होता है, टूथब्रश होता है, तो ब्रश के जो ब्रिशल्स होते हैं, यानी जो ब्रिशल्स की हिंदी क्या होगी, अरे जो उसके हेयर होते हैं, जो उसके बाल होते हैं, बड़े कड़े होते हैं ना, छोटे ब्रश को देखो, बड़े कड़े कड़े से बाल होते हैं ना, राइट, स्क्रबिंग के लिए जो दीवार में यूज होता है उसके भी बड़े कड़े बाल होते हैं। अच्छा, तो जो ब्रश होगा, अगर इंसान कोई ब्रश है उसके अंदर ब्रश के लक्षण हैं, तो वह इंसान बहुत ही आपको पसंदीदा होगा कि ना पसंद होगा, वो बहुत अच्छा होगा अपने डिस्पोजिशन यानी व्यवहार में कि वो बहुत ना पसंद आपको होगा, आपको अच्छा व्यवहार वो नहीं करेगा, आप बताइए क्या होगा। तो जो ब्रैश होता है ना, somebody who is brash, somebody who is brash, और ये सिर्फ इंसान के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं, तो लिख दिया ब्रैकेट में ऑफ पीपल, यानी वस्तुओं के लिए ब्रैश शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, किसके लिए लगेगा, इंसानों के लिए लगेगा, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग देख लो, शोइंग टू मच कॉन्फिडेंस, जो ब्रश इंसान होता है ना, क्या कि ब्रश कितना होगा, ये बहुत ही सख्त होगा, कड़ा होगा ये आदमी, है ना, और जो कड़ा होगा ना आदमी, तो वो कॉन्फिडेंट तो ज्यादा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, टू मच कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर बड़ा आत्मविश्वास बड़ा झलकता है। अच्छा, जिसके अंदर टू मच कॉन्फिडेंस होता, आप बताइए वो लोगों के प्रति ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा कि कम रेस्पेक्ट करेगा, जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा या टू मच कॉन्फिडेंस होगा, यार मैं तो मैं ही हूं, कम करेगा ना। तो देखिए, शोइंग टू मच कॉन्फिडेंस, फिर लिखो लैकिंग रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये दोनों एक दूसरे के देख लो इंटरकनेक्टेड तर्क है, यहां पे दूसरों के लिए उसकी बेटा रेस्पेक्ट क्या होगी, कम होगी, लिटिल रेस्पेक्ट होगी, लैकिंग रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, बहुत ही अच्छा, इसको क्या लिख दें, असर्टिव बहुत होगा, अपनी बात को बहुत दमदार तरीके से रखेगा,
असर्टिव स्पीकर उसे कहते हैं, असर्टिव स्पीकर वो स्पीकर होता है जो अपनी बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से रखता है और ये बताता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही हूँ, तो असर्टिव होगा। लेकिन असर्टिव होना कोई गलत बात नहीं, आप भी असर्टिव, अगर आपको लगता है कि आप असर्टेंड हो, आप सुनिश्चित कर सकते हो किसी चीज़ को, आप निश्चित हो, कॉन्फिडेंट हो, बी असर्टिव। लेकिन ये असर्टिव कैसे होता, असर्टिव इन अ रूड मैनर, इसका जो मैनर होगा ना वो काफी रूड होगा। जब मैनर रूड होता है तो वो आदमी हमेशा क्या करता बेटा है, वो क्या करेगा, वो आदमी हमेशा दूसरों के प्रति कम रेस्पेक्ट लाएगा। अच्छा, ये मॉडेस्ट होगा, बड़ा शालीन होगा कि इनमॉडेस्ट होगा, बिल्कुल सही आपने कहा, ये आदमी इमॉडेस्ट होगा, शालीनता तो भैया इसके अंदर होगी नहीं। इमॉडेस्ट का मतलब जो शालीन ना हो वो कहलाता इमॉडेस्ट, है ना। जैसे एग्जाम्पल लें आपके सामने, मिस्टर सिन्हा इज अ ब्रैश, मिस्टर सिन्हा इज अ ब्रैश। अगर हमने कहा सिन्हा साहब एक ब्रैश हैं, तो कैसे इंसान है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, दूसरों को कुछ समझते नहीं है, कहते यार वो कहाँ, ही डजंट स्टैंड यू नो इन कंपैरिजन टू मी एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ दैट, ऐसा वो बोलेंगे। तो ये जो ब्रैश एटीट्यूड होता है, कैसे एटीट्यूड होता बेटा, ब्रैश एटीट्यूड, ये अच्छा है कि बुरा बता दो, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव एटीट्यूड है, ब्रैश एटीट्यूड कभी मत रखिए। आप पढ़ाई में बहुत तेज हो, आपके बगल में कोई गांव का लड़का बैठा हो, चिलौली से आए हो और उसको कुछ ना आता हो और आप उसको चिढ़ाइए नहीं कि यार तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, एंड आई नो एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड अ ब्रैश एटीट्यूड। आपको ब्रैश एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी एक और लिख दें, वेरी हार्ड इन नेचर, सारा मीनिंग लिख दे रहे, ये आदमी नेचर में बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्श होता है, बहुत तीखा होता है, इसको गुस्सा, इसके प्रति लोगों को गुस्सा आती है कि इस आदमी को मेरे सामने मत लाना, लाइक दैट। अब देखिए, ब्रैश सेल्समैन, ये कैसा सेल्समैन होगा, अच्छा सेल्समैन है कि बुरा सेल्समैन है, आप बताओ, कोई भी चीज बेच रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। आप कुछ खरीदने जाते हो, आप कुर्ता खरीदने जाते हो, कहता भाई आप कैसी बात कर रहे हो, जो आप कुर्ते कपड़ा पसंद करो ना दो कौड़ी का होता है। अब सेल्समैन आपसे ये कह रहा, जो मैं पहनू ना ये बढ़िया, ये पहनो, आपको लग रहा वो कूड़ा पहने हुए, लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहा है। कहते ना, कस्टमर्स आर द किंग, किंग को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, किंग की जो चॉइस है उसको रहने दीजिए। और ऐसे एटीट्यूड रखने वाले बंदों को, सेल्समैन को हम कहते हैं ब्रैश सेल्समैन। ये अच्छी सेल्समैनशिप नहीं होती है, जहां पे आप कस्टमर्स को ओवर रूल करते हैं, है ना, कस्टमर को ओवरशैडो करते हैं अपनी चॉइसेस के साथ, दैट इज कॉल्ड ब्रैश सेल्समैन, राइट। ऐसे ब्रैश टीचर्स भी बेटा होते हैं, ये ब्रैश टीचर्स कौन से होते हैं, सभी टीचर्स को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में बोलना चाहता हूं, अगर कोई ये टीचर कहता है कि यार देखो ना मैं हूं मैं, तो बस मैं ही हूं, दुनिया में मुझसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अब बताइए, दुनिया में बात करें, अपने जिले में नहीं ढूंढा हो कभी उन्होंने, अपने हो सकता मोहल्ले में ना ढूंढा हो, और दुनिया में कोई बोल दे मुझसे अच्छा टीचर तो इस विषय का कोई हो ही नहीं सकता है, ये कैसा टीचर कहलाएगा, ब्रैश टीचर कहलाएगा, विदाउट ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द रेस्पेक्टेड टीचर्स, लेकिन ये एटीट्यूड तो गंदा है, तो मुझे ब्रैश टैग लगाना ही पड़ेगा ऐसे टीचर्स के लिए, ऐसा कभी नहीं आप कह सकते, क्यों। अच्छा, और मैंने कहा इसके बगल में बैठा करो, इसके साथ काम किया करो, ये कलीग है, अच्छा है, तो हमने कहा सर ये ब्रैश कलीग है, ये कलीग कैसा है, ब्रैश है, ब्रैश का मतलब है इससे मेरी पटेगी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कहता तुम हो चूतिया, तुमको कुछ आता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग, यू नो, अगर ऐसा ये बोलता है तो ये ब्रैश एटीट्यूड उसका हो गया, क्यों, तो ब्रैश कलीग हो गया, ब्रैश के साथ आप बैठना नहीं चाहते। जल्दी से सिनोनिम्स कुछ देख लेते हैं, पर्यायवाची इसके, ये होगा ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब बंजर, इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब जो आपकी इज्जत ना करे, बदतमीज हो, बदतमीज, है ना, और इसी तरीके से होगा इंप्यूडेंट, ये भी बदतमीज की होती है ना। अच्छा, जो ब्रैश आदमी होता है आपके हिसाब से बताइए, वो बहुत सोचा समझ के बोलता है कि तुरंत बोल देता ऑन द स्पॉट जो उसके मन में आता है, ऑन द स्पॉट ही बोलेगा ना, तो ये आदमी इंपल्सिव भी होता है, इंपल्सिव का मतलब जो अपने इंपल्सेस, अपने इंट्यूशन से काम करता, बड़ा इंपल्सिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव वे में है, इंपल्सिव होना भी खराब नहीं, लेकिन ये नेगेटिव वे है। और इसके एंटोनिम देख लें, ब्रश का एंटोनिम ये देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं एंटोनिम, देखिए जो ब्रश का एंटोनिम होगा ये क्या होगा, बड़ा शर्मिला होगा, वो तो बहुत बदतमीज किस्म का है, ये बैशफुल होगा, कैसा होगा, ही बी बैशफुल, है ना, बड़ा ही मीक होगा, जी 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 सर, जी जी
अच्छा जी 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 सर जी सर, ऐसे बोलेगा ना, शाय भी होगा, बहुत ज्यादा बोल्डली नहीं, दो शर्ट के ऊपर के बटन खोल के खड़ा हो जाएगा, बड़ा शाय भी होगा और ये बड़ा शालीन भी होगा भाई, मॉडेस्ट भी होगा। ये देखिए, तो एंटोनिम समझ में आ गया आपको सारे, इधर बदतमीजी है इधर सादगी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको को रिलेट करना आना चाहिए। तो ये शब्द था ब्रैश, दैट वॉज ब्रैश। ठीक, देखिए जल्दी से, जब तक मैं पानी पीता हूं, लेट मी टेक वाटर। ये सारे वर्ड्स वो हैं, सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको यहां पे पढ़ा रहा हूं, सीजीएल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेंगे। ठीक है, ब्रैश सेलेक्टेड वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, और आप पूछे भी गए पास्ट में। नेक्स्ट इज बैरोक, दिख रहा बच्चों ये वर्ड है, बी ए आर ओ क्यू यू ई, बैरोक, बी ए आर ओ क्यू यू ई, बी ए आर ओ क्यू यू ई, बैरोक, यह एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव। और देखिए बैरोक का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं बताता हूं, ये सिर्फ तीन चीजों के साथ लगेगा, ये यूज होता है बिल्डिंग के साथ, आर्ट के साथ और म्यूजिक के साथ। सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल ये है कि बैरोक शब्द का जब जब इस्तेमाल होगा, या तो बिल्डिंग्स की बात हो रही होगी, या आर्ट की बात हो रही होगी, या म्यूजिक की बात हो रही होगी, चौथी जगह बैरोक लगेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे एसी के लिए हम बैरोक नहीं कहेंगे, अब क्या है मीनिंग अभी तो हम बताने जा रहे, लेकिन एसी के लिए नहीं लगेगा, कपड़े के लिए नहीं लगेगा। ये यूज होता है एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग्स, इमारतों के साथ, कला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में। बैरोक का मतलब होता है हैवली डेकोरेटेड स्टाइल। अब हैवली डेकोरेटेड स्टाइल का मतलब आपको समझ में आ गया, कहां बोलो, हैवली डेकोरेटेड स्टाइल, मैं आसान भाषा में बताता हूं, अगर कोई बिल्डिंग है वो हैवली डेकोरेटेड है, बहुत आलीशान लग रही है, हर जगह से डेकोरेशन की, कहीं पे भी उसकी कमी आपको नहीं दिख रही है। कोई आर्ट है, कला है, वो भी हैवली डेकोरेटेड है। म्यूजिक है, बहुत ज्यादा म्यूजिक को संगीत से में हर आस्पेक्ट में सजाया गया है, तो वो भी हो जाएगा बैरोक। अब देखिए ये बैरोक कहां पे यूज होता है, जैसे अब समझिए बैरोक आर्किटेक्चर, अब ताजमहल चले जाइए, देखिए वहां का कितना बैरोक, कितना रिच आर्किटेक्चर है, कहां का बोलिए, अभी ताजमहल नहीं बताया, हाँ बैरोक आर्किटेक्चर, और देखिए बैरोक बिल्डिंग है ना, और बैरोक पेंटर। अब कोई बैरोक पेंटर होगा तो आपकी वॉल को इतना बढ़िया स्टाइलिश बना देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने बनाया है कि किसने बनाया, राइट। इसको याद करने का तरीका देखिए, इसके सिनोनिम्स पहले देख लेते हैं जल्दी से, यहां पे हैं सिनोनिम्स, ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब होता है ऑर्नामेंट से बहुत ज्यादा सजा धजा, या रोकोको, रोकोको, ठीक है, रोकोको का भी मतलब होता है बहुत सजी सजाई इमारत, ऑर्नेट का मतलब होता है बहुत, जैसे ऑर्नेट अगर हम एग्जांपल दें यहीं पे, ऑर्नेट लैंग्वेज है, तो इसमें इतने ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच, इतने ज्यादा आभूषण पड़े होंगे इस लैंग्वेज में कि आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत ज्यादा ऑर्नेट है, आभूषणों से सजा देते हैं, क्यों, और आपको हंसा भी देते हैं, टिकल भी कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्नेट, दैट इज कॉल्ड ऑर्नेट, राइट। अब बैरोक देखिए कहां पर यूज होगा, बैरोक समझ में आ गया ना, बिल्डिंग आर्ट और इसके साथ यूज हो रहा है, इसके इसका नेमोनिक्स, इसको याद करने का तरीका देख लो, बैरोक 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 बैरक बैरक ओबामा, यहां से याद कर लो, बैरक ओबामा कहां रहते थे, बैरक ओबामा का अरे प्रेसिडेंट हाउस क्या है अमेरिका में, जैसे यहां राष्ट्रपति भवन है तो वहां क्या है, राइट यू आर, बैरक ओबामा व्हाइट हाउस में रहते थे, कहां रहते थे, व्हाइट हाउस में रहते थे, ट्रंप साहब रह रहे हैं, व्हाइट हाउस में रहते थे, है ना,
व्हाइट हाउस में रहते थे, और व्हाइट हाउस कैसी बिल्डिंग है? बैरॉक बिल्डिंग है। क्या साजो सज्जा से सजी हुई बिल्डिंग है। क्यों? वो आम इमारत तो है नहीं कि सिंपल से 10x4 का दरवाजा लगा है, खोला। वहां तो सारे मतलब सुसज्जित है, हर प्रकार से इक्विप्ड है, सारी फैसिलिटी से, सारी डिजाइन से, सारे ऑर्नामेंट से, सारे आर्किटेक्चर से। तो वो कैसी होगी बिल्डिंग, उसको याद कर लो, बैराक से। बैराक ओबामा, बराक ओबामा यूज टू लिव इन अ व्हाइट हाउस बिल्डिंग इन अमेरिका, एंड व्हाइट हाउस बिल्डिंग इज ऑफ कोर्स नथिंग बट बैरॉक, राइट। अब इसके एंटोनिम्स जल्दी से देख लेते हैं। इसके एंटोनिम क्या होंगे? प्लेन, सादा, एकदम सादा। अनएडॉर्न्ड, अनएडॉर्न्ड का मतलब बिना सजा हुआ। एडॉर्न का मतलब सजा ना, बिना सजा हुआ है ना। या हम और लिख सकते हैं एंटोनिम, यहां दिख रहा है आपको, अनडेकोरेटेड। जो डेकोरेटेड ना हो वो इसका एंटोनिम यानी विरोधी शब्द हो गया, ठीक है ना। जल्दी से लेते हैं एक मिनट का ब्रेक और आपसे तुरंत मिलते हैं आके। ब्रेक ऑफ ए मिनट, द लॉन्गेस्ट ब्रेक सो फार। मार्कर रिफिल कर रहा हूं, पानी भी पी रहा हूं। तब तक आप देखते रहिए बोर्ड पर। बैरॉक, बराक ओबामा बैरॉक में रहते थे। अभी थोड़ी सी रफ्तार में धीमी रखियो क्योंकि ऑनलाइन मोड पर हूं, मुझे कम समझ में आता है वर्चुअली कि कौन कितना मुझे समझ पा रहा, कौन कितना नहीं समझ पा रहा है। ऑनलाइन में तो देख लेते थे बच्चे, हाथ उठा देते थे, उनके चेहरे से मैं पढ़ लेता था कि कितना समझ में आ रहा कितना नहीं। ऑफलाइन मोड में सॉरी, और ऑनलाइन में ये चीज़ पता करना इम्पॉसिबल है कि कितना आपको समझ में आ रहा कितना नहीं समझ में आ रहा है। सो जस्ट फीडिंग द मार्कर विद इंक, टेकिंग टाइम। बैरॉक आपको वर्ड मिला, अगला शब्द आने जा रहा है बस कुछ ही सेकेंड्स में। वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रेंथन करिए, बड़ी मजबूत करिए वोकैबुलरी को, और तभी आपका बेड़ा पार लगेगा। जितना अच्छे से अच्छा सके वोकैबुलरी मजबूत करिए। ट्राई एंड डेवलप योर कॉन्फिडेंस इन वोकैबुलरी, बिकॉज़ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ग्रामर एक लिमिटेड पोर्शन है, वो आपको याद भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत रट भी लेते हैं। वोकैबुलरी ये कोई रटने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। और आपको मालूम है वोकैबुलरी में आपको ट्रिक्स मैंने दिया है, आपको बताया था कि कॉलोकेशन से याद कर सकते हैं, रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, नेमोनिक से याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आप याद कर सकते हैं। और ये तरीके होते हैं जिनसे आप अच्छी वोकैबुलरी पे अपनी कमांड कर सकते हैं और किसी भी परीक्षा को बहुत हाई नंबर से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश में जनरली लोग बहुत घबराते हैं, हिचक होती है, अपने को कमज़ोर ना होते हुए वो कमज़ोर मान के ही चलते हैं, यार मुझे तो नहीं आता इंग्लिश में ज़्यादा, मैं चिलौली से आया हूँ गांव से, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। YouTube can hold as great command as anybody else in the world, provided आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आप ये कर सकते हो। मैंने बताया था दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है विल। विल अगर नहीं है तो सारी स्किल आपकी निल हो जाती हैं। विल यानी इच्छा शक्ति को आपको लाना है, एंड यू विल रीच एंड माउंट ऑल द हिल, ठीक है। चलिए मेरे मार्कर्स रेडी हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। टुक सम टाइम फॉर मी टू फीड द मार्कर। और अगला शब्द हमारा आज का असेंडर। ये सरप्राइज करेगा आपको, दिस इज एडवर्ब। देखिए असेंडर आपको वर्ड सरप्राइज कर रहा होगा, दिस इज एडवर्ब। देखिए इसका मतलब पहले लिखता हूं, फोर्सफुली सेपरेटेड
into pieces, क्योंकि एडवर्ब है तो ध्यान दीजिए एडवर्ब में ये बताया जा रहा है कि ये जो भी ये मीनिंग है ये जानबूझ के बलपूर्वक पीसेस में किसी चीज को तोड़ा हुआ है, उसकी जो फॉर्म है जो अवस्था है वो पीसों में पीसेस में टूटी हुई अवस्था है, तो यहाँ पे ये असेंडेड शब्द का यूज हुआ है। अभी इसको रटाने का तरीका हम आपको बताएंगे कैसे याद करें, लेकिन अभी देखिए इसका जो यूज होता है, यूजेज है जो इसका वो ध्यान दे दीजिए, बड़ा स्पेशल यूजेज है। न्यूज़पेपर में जब भी आप पढ़ेंगे तो टीयर के साथ यूज होता है, इसका कॉलोकेशन टीयर के साथ है, ब्रेक के साथ मत करिएगा, क्लोज टेस्ट में बड़ा काम आएगा, ये टीयर के साथ यूज होता है। इसका फ्रेज क्या होता है, टीयर समबडी असंडर, एसबी का मतलब समबडी, यानी किसी को टीयर समबडी असंडर का मतलब समझे ना, किसी को झकझोर देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना, यही सब लगेगा, समझ रहे ना। तो टीयर के साथ ही हमेशा यूज होगा, दिस विल ऑलवेज यूज्ड विद टीयर। ये टीयर शब्द को आपको याद करना, टीयर माने वैसे तो फाड़ना होता है ना, फाड़ेंगे तो भी देखिए पीसेज में चीजें आ जाती है, जब टीयर करते हो किसी चीज को, क्यों, तो ये असंडर जो एडवर्ब लगेगी वो टीयर के साथ लगेगी, ध्यान दीजिएगा किसके साथ लगेगी, टीयर के साथ लगेगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर आप इसकी थोड़ा सा यूजेज में जाएं, संडर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, इनटू एसटीएच का मतलब समथिंग है, टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, टुकड़े में तोड़ देना, खास तौर से दो वो टुकड़े होने चाहिए, टू, ये इसका मीनिंग होता। तो संडर माने होता दो पार्ट में तोड़ देना, बाइसेक्ट कर देना किसी चीज को, है ना, क्लीव कर देना, इसको हमने बताया था क्लीव, CLEVE, क्लीव आपको पढ़ा चुका हूं। असंडर देखिए, अब एग्जांपल देखिए आप बढ़िया मस्त एकदम, द फैमिली ऑफ, लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं, द फैमिली ऑफ हाथरस विक्टिम, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार विक्टिम का नाम असली और असली चेहरा नहीं बताया दिखाया जा सकता, तो मैं असली नाम नहीं लूंगा, उसको गुड़िया नाम दे देते हैं, निर्भया नाम आप दे सकते हैं जो दिया गया था। द फैमिली ऑफ हाथरस विक्टिम इज स्ट्रॉन्ग असेंडर, देखिए बिखर के रह गई उसकी फैमिली है, द फैमिली ऑफ हाथरस विक्टिम इज स्ट्रॉन्ग असेंडर, हुआ टॉर्न असेंडर की नहीं, एक दूसरे दुर्दांत अपराधी का नाम लिखता हूं, विकास दुबे, विकास दुबे नाम था ना, बिक्रुकांड, यस, विकास दुबे लेफ्ट नहीं टोर सो मेनी फैमिलीज, असंडर, देखिए विकास दुबे ने भी अब जो नहीं है, he was encountered to death in a dramatic fashion nearby Kanpur city. So Vikas Dubey tore so many families asunder. Yani Vikas Dubey ne un parivar ko bikher diya tha ki nahi? Bikher diya tha. To asunder ka matlab samajh mein aa gaya hai? Asunder means what? Asunder ka matlab hota hai into pieces, tukde mein. Aur ye tear ke sath use hoga. Ye close test jo bachche SSC ke hamare hain, wo zyada dhyan de, close test mein yahi collocation aate hain. टीयर असेंडर, लीव असेंडर, रिप असेंडर, है ना, ऐसे आएंगे तो आपको टीयर शब्द याद कर लीजिए, आपके नंबर पक्के हो जाने वाले, क्यों, और कोई आएगा नहीं, ध्यान रखना, ये मतलब वेल कट एंड ड्राइड बता रहा हूं आपको बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड टू कम इज स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर ये वर्ब है, स्लैंडर, ठीक है, स्लैंडर का मतलब होता है टू डिफेम समबडी, बहुत यूज होता है, यानी किसी को क्या करना है, डिफेम, किसी को बदनाम करना, है ना, आप किसी को बदनाम करोगे तो उसकी रेपुटेशन को डैमेज करोगे कि बिल्ड करोगे, डैमेज करोगे, तो मीनिंग आ गया टू डैमेज
somebody's reputation. किसी की reputation को आप दागदार कर रहे हैं और damage कर रहे हैं. क्यों? और देखिए, to malign somebody's image. मैल लग गया ML तो गंदे ही काम होगा, अच्छा नहीं होगा. टू मेलाइन somebody's इमेज, किसी की बनी बनाई इमेज को आप गलत तरीके से धूमिल करते हैं, बदनाम करते हैं. क्यों? ये हो गया टू tarnish. सारे synonym इसके लिख दे रहे हैं, टू tarnish somebody's reputation. किसी की reputation को गलत सलत बोल के tarnish कर रहे हो. एक और लिख देते हैं, बड़ा फेमस है, टू taint somebody's reputation. किसी की reputation को आप क्या कर रहे हो? टेंट कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो. क्यों? दिस इज हाउ इट इज यूज, राइट? अब देखिए, एक हीरोइन जो भी ड्रग के केस में अंदर गई है और कुछ एक जाने वाली है, जैसे बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में. देखिए, रिया चक्रवर्ती अभी मिथुन चक्रवर्ती थे, अब रिया आ गई हैं. रिया चक्रवर्ती हैज स्लैंडर्ड, है ना, SSR's सिस्टर. SSR की सिस्टर को स्लैंडर किया है. किस चीज के लिए स्लैंडर किया उन्होंने? है बोलो, है स्लैंडर नहीं, ये गलत हो गया, हैज accused. अब बनेगा SSR's सिस्टर, SSR's सिस्टर ऑफ स्लैंडरिंग हर इमेज. अब समझ में आया? रिया ने उल्टा सुशांत सिंह राजपूत SSR की बहन को, सुशांत सिंह राजपूत की बहन को क्या किया उन्होंने? अक्यूज किया है, आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरी इमेज को स्लैंडर किया. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसकी नाउन भी होती है, स्लैंडर इज ए नाउन एज वेल. स्लैंडर एक नाउन भी है, यानी अ फॉल्स एलिगेशन, झूठा आरोप. आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आप स्लैंडर के देखो अदर वर्ड्स क्या क्या होते हैं. स्लैंडरस ये एडजेक्टिव है, जैसे स्लैंडरस कमेंट्स. ऐसे कमेंट्स आपने पास किए हैं जिससे किसी की इमेज धूमिल हो. एडवर्ब होती है स्लैंडरसली, ये इसकी एडवर्ब है. इसकी नाउन एक और होती है, स्लैंडरसनेस, ये नाउन है. ठीक है, तो स्लैंडर समझ में आ गया? हाँ, यहां पे एक कंफ्यूजन बच्चों आपको हो सकता है. स्लैंडर पढ़ते समय कभी कभी परीक्षा में SLANDER की जगह लिख किया जाता है, SLENDER, स्लैंडर. ये भी एडजेक्टिव है. अब दोनों में अंतर क्या है? जो स्लेंडर है बेटा उसका मतलब होता है स्वेल्ट एंड स्लिम, ये दुबला पतला होगा अट्रैक्टिव वे में, दिस इज कॉल्ड स्लेंडर. जैसे स्लेंडर बॉडी, किसी की बड़ी स्लेंडर बॉडी है जैसे रिया की है, तो ये देखिए, सो स्लेंडर बॉडी ऑफ रिया चक्रवर्ती, राइट, जिसके चक्कर में SSR फेल इनटू हर ट्रैप, राइट. तो ये देखिए, स्लैंडर समझ में आ गया बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन. इसका सिनोनिम और देख लेते हैं. देखिए, और इसके सिनोनिम लेते हैं एस्पर्स, ASPERSE, ये भी वर्ब है. एस्पर्स का मतलब क्या होगा? ये इसका सिनोनिम है, वही मतलब, टू अक्यूज somebody with, नहीं, to accuse somebody of something wrong, to accuse somebody of something wrong, किसी गलत चीज से किसी आदमी को accuse कर देना, या to attack with false report या evil reports, गलत रिपोर्ट लिखा देना, ठीक है, इंजूरियस चार्जेस लगा देना, राइट. ये होता है एस्पर्स है, जैसे एस्पर्स
एस्पर्स के साथ क्या लग जाएगा? दी अपोनेंट्स। एस्पर्स दी अपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जो अपने विरोधी लोग हैं उनको आप गलत चार्ज के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको गलत जो है आरोप में फंसा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एस्पर्स, दिस इज कॉल्ड एस्पर्स, राइट। एक और सिनोनिम देते हैं, ट्रेड्यूस, टी आर ए डी यू सी ई, ट्रेड्यूस, ये भी वर्ब है, टू टेल लाइज अबाउट समबडी, किसी इंसान के बारे में झूठ बोलना, है ना, किसी इंसान के बारे में झूठ बोलोगे तो भी तो आपने उसको स्लैंडर किया, तो भी तो उसकी इमेज धूमिल करी, तो भी तो उसको आपने एस्पर्स किया। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, नेमोनिक से ट्रेड्यूस को इंट्रोड्यूस, ट्रेड्यूस इंट्रोड्यूस, ट्रेड्यूस इंट्रोड्यूस, ये देखो है ना, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना गलत तरीके से, तो ट्रेड्यूस समझ में आ गया, इंट्रोड्यूस करना गलत तरीके से, दिस इज कॉल्ड ट्रेड्यूस समबडी, राइट, ट्रेड्यूस समबडी, ट्रेड्यूस समबडी, राइट। और इसके दो चार सिनोनिम्स हैं वो भी ले लीजिए, देयर आर अ फ्यू मोर सिनोनिम्स ऑफ दिस, ये बड़ा शब्द है, और देखिए इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं इसके बाद है, विलीफाई, ये सब आपको शब्द पढ़ाया हुआ है, कैलमिनेट, कैलमिनेट, डिफेम हो गया है, टार्निश हो गया है, टेंट हो गया है, ये दो और इसके सिनोनिम्स थे जो आपको दे दिए गए, ठीक है ना, क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव ऑन। अगला शब्द है, ये वर्ब है, दिस इज अ वर्ब एंड नाउन, बोथ वर्ब भी है नाउन भी है, वर्ब भी है नाउन भी है, लेकिन पहले मैं आपको एज ए वर्ब पढ़ाऊंगा, राउट, इसको क्या बोलेंगे, राउट, टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, किसी को पूर्ण रूप से हरा देना, किसी को पूर्ण रूप से हरा देना, इसे कहते हैं, हिंदी लिख दूं, पूर्ण रूप से हरा देना, धूल चटा देना, है ना, इसका बहुत बढ़िया, अभी मेरे याद आ रहा तो मैं लिख दूं, पल्वराइज, पल्वराइज का मतलब होता है बेटा किसी चीज को, जब नहीं आपकी मम्मी मिक्सी वगैरह में ग्राइंडिंग करती होंगी तो किसी चीज को पल्वराइज करना, जैसे खड़ी हल्दी है उसको पीसी हल्दी में बदलोगे तो मम्मी क्या करेंगे, उसको पल्वराइज कर देंगे, यानी चूरे में बदल देंगे, क्यों, तो पल्वराइज अगर आप अपने ओपोनेंट को करते हो, अपने विरोधी दल को पल्वराइज करते हो, तो वहां पे आप उसको चूरे में बदल देते हैं, यानी पूर्ण रूप से उसको धूल चटा देते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, राउट का क्या हो गया, पल्वराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है पल्वराइज। अब देखिए, अच्छा जब आप किसी को पूर्ण रूप से हराओगे तो वो भागेगा दूर आपसे कि आपके पास आएगा, बोलो, देखिए, फोर्स समबडी टू रन अवे, आप क्योंकि किसी को हरा दोगे तो दम दुम हिला के भागेगा आपसे, क्यों, तो देखिए फोर्स समबडी टू रन अवे, ये भी मीनिंग हो गया किसका, राउट का, टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, किसी को पूर्ण रूप से हरा देने, जब आप किसी को पूर्ण रूप से हराओगे तो ही रन्स अवे फ्रॉम यू, ही रन्स अवे फ्रॉम यू, आपके पास तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आप तो उसको हरा रहे हो। तो देखिए आप इंडियन आर्मी, बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं चाइना से लेके ला रहा हूं एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी राउटेड, इंडियन आर्मी राउटेड, चाइनीज फ्रॉम द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो देखिए एलएसी से इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को बिल्कुल भगा दिया था कि नहीं, खदेड़ दिया था, एंड दे रैन अवे फ्रॉम देयर, राइट, दिस इज कॉल्ड। और एक एग्जांपल और मेरे पास बहुत आ रहा है, अभी एक कांग्रेस के लीडर बड़ा फेमस हुए थे, संजय राउत, ये एनसी मतलब जो अभी किसकी सरकार चली महाराष्ट्र में, हाँ हाँ वही क्या, अरे शिवसेना की चल रही ना, बाला साहब के लड़के, भूल गया मैं, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे में मंत्री हैं, सांसद भी हैं। तो देखिए ये बड़ा उल्टा सीधा बोले थे, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपके लिए, संजय राउत, अरुण गोस्वामी चिल्लाते हैं, ए संजय राउत, संजय राउत
विल बी राउटेड, धूल चटा दी जाएगी इनको, विल बी राउटेड इन द कमिंग इलेक्शन। ये रिपब्लिक टेलीविजन वाले बोल रहे हैं कि अगले चुनाव में इनको धूल चटा दी जाएगी। हे राउत, यू विल बी राउटेड इन द कमिंग इलेक्शन। राउत, यू विल बी राउटेड इन द कमिंग इलेक्शन। राइट, आपको कैसा लगा, आज समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई सुझाव देना है वोकैबुलरी पढ़ाते समय कि सर और स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए या और थोड़ी सी धीमी कर दीजिए स्पीड को, या सर एग्जाम्पल्स और बता दीजिए, तो मुझे सुझाव दीजिए। डोंट हेजिटेट, आप मुझे सुझाव दीजिए। सेंड मी योर सजेशंस फीडबैक ऑन व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दे रखा है, तो जिससे कि हम और आप अपने आप को और बेहतर स्मूथली चला सके। राइट, सो हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास। कल आपसे फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे। गुड बाय फॉर नाउ।